हर दिल को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का, प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। तहज़ीब को लूटा है नफरत के खुदाओं ने, जाए तो कहाँ जाए भगवान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का, प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। नवाब साहब, नवाब साहब चले आओ। आदाब। सलामत रहो। तुम इतने दिनों के बाद आई हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। जो भी सजा आप देंगे मुझे मंजूर है। चलो, तुम्हारी सजा यह है कि तुम चलकर मेरी नई पेंटिंग देखो। चलिए। चलो। अरे आपको तो बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर वॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं होम्योपैथी खाता हूँ। फिर चलिए, लेट चाहिए। इसका मतलब तुम मेरी पेंटिंग नहीं देखना चाहती है? जी नहीं, मैं नहीं देखना चाहती। चलिए ना, चलिए। अच्छा बाबा, चलो चलो चलो। चलिए, आपको तो बस आराम करना चाहिए। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भाई। बैठ जाइए, चलिए। अच्छा, दवाई कहाँ है? वो पड़ी है, इसका एक ड्रॉप। वो खोलिए। अच्छा, अब मैं झील पर जा रही हूँ, लौटते वक्त आ जाऊंगी। सुनो जी, जानती हो इंसान बेजान चीजों का सहारा कब लेता है? जब वो अपने आप से डरने लगता है। खुद से मत डरो। आइए। अरे आप पहले आए थे ना, मुझे आपका मैसेज मिला। शुक्रिया। 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम आते नहीं आ रहे। हाँ मैं बहुत मसरूफ थी। आइए बैठिए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ आप यूरोप जा रहे हैं ना, मुबारक हो। वो खबर तो पुरानी है, तुम्हारे शरबत दीदार पीना था तो पी लिया। आप शरारत के मूड में हैं, अब तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए कॉफी पी लेते हैं। चलिए, मुझे तुमसे वाकई में कुछ कहना है। तो कॉफी तो पी लीजिए, बातें बाद में कर लेंगे। आइए। सरकार, इजाजत हो तो मैं फोन इस्तेमाल कर लूं? आओ बेटे। शुक्रिया। हाँ डॉक्टर जैदी, मैं आजर बोल रहा हूँ। मैंने मानिक राव को भेजा आपके पास गाड़ी के साथ, आप फौरन तशरीफ ले आए। जी हाँ, शुक्रिया। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है? सरकार, चाचा जान की तबीयत काफी खराब है, मैं उनके पास जा रहा हूँ।
लेकिन हम तो किसी और पर फिदा हैं। मैं आपका मजाक अच्छी तरह समझती हूँ। क्या सचमुच है कोई? अगर है तो क्या करोगी? सिफारिश करूंगी, आजर नवाब से कहूंगी कि उसके घर शहनाई बजवा दे। शादी मैं कर रहा हूँ, इसमें आजर नवाब की दखल की कोई जरूरत नहीं। अच्छा चलिए। अच्छा आप हटिए, एक्टिंग छोड़िए और मुझे अपनी कैरियर बताइए। तुम्हें मुझ में सिवाय मस्करे और शरीफ बच्चे के कुछ भी और नजर नहीं आता। एक होशमंद जिम्मेदार मर्द और एक मर्द की तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। खुदा गवाह है मन, तुम मेरी जिंदगी हो। बात बहुत किसी की है लेकिन मैं तुमसे अपना हक मांगता हूँ। एक बार याद है हेमंत, जब तुम शर्त हारी तो तुमने मुझे कुछ मांगने का हक दिया। आज मैं तुमसे तुम्हें को मांगता हूँ, अपना फर्ज पूरा करो। तुम खेल में हारी थी, हार जीत का फैसला सिर्फ खेल में होता है। जिंदगी इम्तिहान मांगती है, मुझे आजमा कर देखो। खुशाद सचा की तबीयत बहुत सीरियस है, उन्होंने आपको याद किया है। मैं लाख खिलंड रहा सही लेकिन इतना तो समझ सकता हूं कि मैंने तुम्हें कश्मकश में डाली है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैं तुम्हारा इम्तिहान दे दूंगा। जो बात कहनी तुम्हें मुश्किल हो रही है मत कहो, आपको सुन सकता हूँ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। तमाशा बन गया और तुम खड़े देखते रहे। बिजली गिरी आशियां खत, शुक्र है तब तो नहीं जले। मगर इला किससे करें, गलती हमारी थी। चलो अच्छा है, किसी के रास्ते का पत्थर बनने से किसी की मंजिल का निशान बन जाए। मेरी बात नहीं मानी ना, इलाज नहीं करवाया। देखिए क्या हालत बना ली आपने अपनी। असल में डॉक्टर को तो बुला लिया है ना। बहुत तेज है, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। मैं ऑक्सीजन लेने जाता हूं, तब तक तुम इन्हें अच्छी तरह ढांप कर रखो। मानिक राव साथ जाओ। जी सरकार। बशारत, चाचा जान की बहुत तबीयत खराब है, तुम ऐसा करो डॉक्टर।
मैं मन जी चाचा जान के लिए एक और ब्लैंकेट ले आ। जी अच्छा चाचा जान आप ठीक हो जाएंगे चाचा जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।